देश को विकसित देश के रूप में देखने के लिए हमारे देश का हर नागरिक अपनी अपनी क्षमता से कठिन परिश्रम कर रहा है और देश को विकसित देश के रूप में देखने के लिए सब लोग कठिन परिश्रम के द्वारा हर क्षेत्र में अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। 2047 वास्तव में हम सब के लिए बहुत बड़ा वो समय होगा जो हम जिसके लिए आज कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हमने रक्षा के क्षेत्र में भी कठिन परिश्रम शुरू कर दिया है और आत्मनिर्भर और स्वदेशी के माध्यम से हम वो कार्य कर रहे हैं कि अब हम इस क्षमता के हो जाएंगे कि हम अपने अस्त्र शस्त्रों को अब दूसरे देशों को भी दे सकते हैं और उनसे हम अच्छी आर्थिक एक तरह से देखा जाए तो सहायता कमाई और आर्थिक रूप से अपने को सुदृढ़ करने का जो माध्यम है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब हमारे रक्षा के वैज्ञानिक, रक्षा की प्रयोगशालाएं, रक्षा में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी अपनी लगन को कम ना करें और आगे बढ़ाते रहें। हम दिन प्रतिदिन नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन नए नए ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहे हैं जो भारत को वास्तव में आने वाले वर्षों में सारे अस्त्र शस्त्र अपने स्वदेशी और आत्मनिर्भर के होंगे और हम इतने ज़्यादा परिपूर्ण हो जाएंगे कि हम अपने अस्त्र शस्त्रों को विदेशों में भी लोगों को बेच सकते हैं और आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। उस आर्थिक मदद से हमारे देश के लोगों का बहुत ही बड़ा लाभ होगा और हमारे देश के नौजवानों की जो नौकरियाँ हैं वो अच्छे से मिलेंगी और रोज़गार के बहुत ज़्यादा सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे जो हमारे देश को और सुदृढ़ बनाएगा। आइए हम सब लोग इस कार्य में लगें और वास्तव में देखा जाए तो रक्षा के कार्य में लगे हुए हम सब लोगों को रक्षा के हर क्षेत्र में पहल करके इसको और मजबूती से आगे बढ़ाने में लग जाना चाहिए, जिससे कि आने वाला हमारा 2047 जो एक विकसित सपना है देश का देखने का वो साकार हो और हम सब लोग अपने इस कठिन परिश्रम से लोगों को इसको प्राप्त करने में आसानी से एक नया चीज़ दिखा सकें और वो चीज़ें हम आप सबके कठिन परिश्रम से ही मिलेंगी। इसलिए हमारे देश के हर नागरिक का ये परम कर्तव्य बनता है कि कठिन लगन और परिश्रम से ईमानदारी से इसके लिए लग जाएं और एक विकसित भारत के रूप में इसको देखने के लिए हरदम आगे आने की बात को जागरूकता के साथ सबके सामने रखें और सबको इसके लिए सतर्क और पहल करते रहें। जय हिंद, जय भारत। खेल वास्तव में जीवन में बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए खेल और साथ ही साथ व्यक्ति की व्यक्तता, जो व्यक्तित्व है वो भी निखारता है खेल। खेल से दो चीज़ें, एक तो खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा और दूसरा खेल हमारी जो व्यक्तित्व है व्यक्ति की उसको निखारने के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय मैदान में लगाएं, पढ़ें लिखें और जो समय मिले वो मैदान में खेल कूद में लगाएं। इससे शरीर दुरुस्त रहता है, चुस्त रहता है और हमें बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मगर हम देखते हैं कि बहुत से लोग स्क्रीन के आगे कई घंटे बैठकर अपना समय व्यतीत कर देते हैं। पढ़ाई करेंगे और स्क्रीन के सामने बैठकर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और पूरा उनका समय निकल जाता है और वो मैदान जो खेल के लिए बना है वो बिल्कुल सन्नाटा रहता है। तो हम अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपनी पढ़ाई को और मजबूती देने के लिए
अगर हमने खेल के मैदान में कुछ समय दिया तो ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी होगा। आइए हम सब लोग जो भी समय मिले पढ़ाई के बाद या अपने अन्य कार्यों के बाद उसको कुछ समय निकाल कर वास्तव में मैदान में लगाएं, खेल में लगाएं, पैदल चलें, दौड़ें, कूदें और रास्तों में देखा जाए तो व्यायाम करें। यही सब चीज़ें हमें दुरुस्त रखती हैं, चुस्त रखती हैं और स्वस्थ रखती हैं। और साथ ही साथ जब ये सब चीज़ें होंगी तो हर कार्य करने में हमारा मन लगता है और हर कार्य में हम सफल होते हैं। तो जीवन में व्यक्ति को व्यक्तित्व और स्वस्थ रखने के लिए इस खेल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और खेल के लिए जो उनकी एक भावनाएं हैं अच्छे कार्य करने की, वो खेल से ही आती हैं। एकता भी खेल से आती है और हम बहुत सारी चीज़ें खेल के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए खेल को जब भी समय मिले खेल के मैदान में आकर हम सब लोग एकत्रित होकर खेल को खेलें और अपने शरीर को और व्यक्तित्व को अच्छा बनाने में लगाएं। खेल बहुत ज़रूरी है जीवन को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।